चलो ठीक है, बाय। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सभी बच्चे जा रहे हैं अपने घर, और ये हमारी भैंसें आ गई दोनों। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हो मैं आई हुई हूँ। यहाँ पे मेरे साथ बहुत से बच्चे भी आए हैं अपनी भैंसों को लेके। तो पता नहीं पर सामने क्या हो रखा है, ऐसा लग रहा है कहीं आग लग गई है। पता नहीं, पूरा धुआं धुआं इतना ज़्यादा है सामने। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, शायद दिखाई दे दे आप लोगों को भी। दिख रहा है सामने फ्रेंड्स, धुआं सा निकल रखा है और वो बच्चे भी जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आई हुई हूँ इस साइड, और ये है हमारी मूंग के खेत जिसमें हमने मूंग बोई थी। आप देख सकते हो काफ़ी हद तक मूंग भी जो है निकल आई है, बड़ी बड़ी हो गई है। इस साइड बड़ी बड़ी है और उस साइड जो है थोड़ी छोटी छोटी है। अभी बड़े बड़े इसके पेड़ हो जाएंगे, फिर इसमें मूंग दाल इसी से हम फिर निकालेंगे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं तो बाबा सी जी से मिलते हैं थोड़ा बहुत। बहुत दिनों से मैं भी नहीं मिली थी उनसे। चलिए और मेरी पड़िया दोनों साथ साथ, ये देखो, और इस साइड मेरी गाय भैंस। फ्रेंड्स मैं आई तो हूँ पर कोई दिख नहीं रहा इस साइड आज, पता नहीं क्यों। ना बाबा का पता है, ना भैया लोगों का किसी का पता है। आज मेरी मम्मी यहाँ से भिंडी काफी सारी तोड़ के लेके गई थी। देखिए फ्रेंड्स इस साइड आई हुई हूँ पर कोई भी नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं सारे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ की देसी प्याज टूटी पड़ी थी तो एक मैंने यहाँ से ले ली। ये इनके बगीचे में खुद बो के बड़ी अच्छी प्याज बन जाती है। और लहसुन और वो भी लगी हुई है, देखिए मारने के लिए आ रही है मुझे। ये देखो दोस्तों प्याज दोस्तों ये देखिए दोस्तों, प्याज बहुत ही अच्छी होती है अपनी शुद्ध यहाँ गार्डन की देसी प्याज जो होती है, बहुत टेस्टी होती है, मीठी मीठी होती है। चलिए चलते हैं उस साइड, देखते हैं बाबा जी हैं शायद वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, वहीं जा रही हूँ मैं भी। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 130 सब्सक्राइबर जो हैं लगभग कम्प्लीट होने वाले हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। आप लोगों के सपोर्ट से ही कहीं ना कहीं मेरे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं, और आप लोग मेरी वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, उसके लिए भी दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू। आप देख सकते हो दोस्तों, अभी तक जो हम लोग गेहूं काट रहे थे, लगभग हमारे जितने भी गेहूं थे सारे गेहूं कट चुके हैं। अभी एक भी गेहूं का खेत तो नहीं बचा, काट दिए हैं। और इन सब गेहूं को सेट करके भी लगा दिया है, बस अब कतरने की देरी है इनका। वो आ जाएगा सेसर और ट्रैक्टर वगैरह, तो फिर बाद में इसको ये लोग कतराएंगे। अगर कतराने के टाइम पे मैं बीच में आती हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो पक्का बनेगी। आप लोग देखिएगा गेहूँ कैसे निकालते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। देखिए सियार जा रहा है एक मेरे सामने से, आपको फ्रेंड्स मैं सियार दिखाती हूँ, मुझे तो डर लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स वो सामने वाले पेड़ की वहाँ से सियार था, चला गया, समझ नहीं आ रहा उनका रास्ता कहाँ से।
चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि बाबा लोग ये सामने वाले खेत में यहीं पे ही हैं। बस थोड़ा सा यहाँ से रास्ते से निकलूँ, बड़ा गंदा रास्ता है यहाँ का, रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। डर तो बहुत लगता है। Because I'm all alone. ये देखिए पेड़ वेड़ काट रहे थे लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पेड़ काटे हैं उन्होंने, बाबा जी ने एक पेड़ काटे है और फेंसिंग कर रहे हैं साइड साइड से। सब बची नहीं। ये देखो फ्रेंड्स, ये लोग तार बांध रहे, तारा बांधे आ रहे हो आज। कटाया हो? आगी वगी लग गई का ये करना? धुआं बहुत होता रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इस पेड़ को बाबा लोगों ने अभी कटाया है, रोटी वोटी बनाने के लिए लकड़ियाँ जैसे चाहिए होती हैं, तो अब सूख जाएगा यहाँ पड़े पड़े। ये देखिए यहाँ भी फेंक दिया, यहाँ भी फेंक दिया, अब ये सूख जाएगा और सूखने के बाद जो है काट के लेके जाएंगे इन्हीं लकड़ियों को और फिर इनकी रोटी भी बनाते हैं। और ये देखो फ्रेंड्स, ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये जो मैंने तोड़ा है, इसकी सब्जी भी बनती है। पर आई थिंक इसमें अभी बीज आ गए हैं, जब ये थोड़ा और ताज़ा होता है ना तो उसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। देखिए अच्छी खट्टी खट्टी लग रही है। तुम्हारा भैंस चिल्ला रही बहुत तेज तेज से, मैं अकेले नहीं हूँ। नहीं कौन नहीं रहता है ना, यही से है। घरे आ जा छो। देखिए फ्रेंड्स, बाबा जी कितनी तेज स्पीड में भागे जा रहे, मतलब वेट भी नहीं कर रहे कि थोड़ा सा रुक जाए। देखो पीछे देख सकते हो, पीछे साइड जा रहे हैं। मुझे भी तेज तेज जाना पड़ेगा, आना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी से रुक जाओ, मेरे दोस्तों से बात कर दी। ये बाबा जी जा रहे हैं। हेलो, कैसे हो? वो बम्बूरा काट रहे हैं, तार बांधे का बम्बूर काटे थी। गेहूँ के खेत काट के हैं। चली अंधेर हो जाते वहाँ बगीचा में। हमें घर दीपक तो यंगे बैठे बड़े रहने। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं, बाबा को भूसा भी निकालना है, अंधेरा हो जाएगा थोड़ा, फिर जल्दी जल्दी जा रहे हैं। अब हमारे गाँव का पड़ा हो का दादी देख लेता भी हो ठीक वाली। हाँ कहाँ धोके रखी हो? वहाँ या माँ सही ये मरे क्या का वहाँ माँ जा वो अपना का भूसा यही ब्याज के जा ब्याज है पास ये भूसा ब्याज के ये अपना का घर आ हुआ। देखा दोस्तों, बेच भी लेते हैं और साथ में अपने लिए भी हो जाता है। हाँ तुम सुबह के टाइम में रख सकती हो, सुबह के टाइम। देखिए फ्रेंड्स, ये जो गेहूँ इस साइड कट गया है ना पूरा, अब बंडल बना के रखे, इनको हम लोग कल सुबह रखेंगे, उसमें मिक्स करेंगे। वो जो वहाँ पे डंप दिख रहा है उस साइड, और एक पीछे भी डंप है गेहूँ का, उसमें मिक्स करके रखेंगे। का नहा लाही नहा आसो, आसो तो लाही बहुत भे है। देखिए फ्रेंड्स, बाबा जी की लाही बोल रहे हैं कि साल ज़्यादा नहीं हुई है,
तो क्या खरीदी हो फिर? हमारे वो खाए भरे भाई का नहीं करा करा थी, थोड़ी बहुत खेतन में डला दी थी। मुझका नहीं पता, ये मुझका नहीं पता रहा करता, मुझसे मतलब ही नहीं रहता ये सबसे। मुझका नहीं पता चाहे बेच लीन हो चाहे, हाँ पता नहीं मुझका। देखिए कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ। देखिए फ्रेंड्स अंधेरा हो चुका है काफी तेज हमारे यहाँ पे। अब भिंडी तोड़े लग गए वो फिर से। दवाई दवाई का असर खत्म, दवाई का असर खत्म होगा। देखिए फ्रेंड्स अब दवाई का असर ठीक हो गया है। अब इसके पत्ते भी देख सकते हो अच्छे हो गए ना पहले से। अब इसमें जो कीड़े लग रहे थे वो भी ठीक हो गए हैं और अब ये भिंडी खाने लायक हो गई है। अच्छा आज मम्मी यहीं तैयार तोड़ के ले गए है। आज मम्मी काफी सारी भिंडी यहाँ से फ्रेंड्स तोड़ के लेके गई। ये कुआ काल परसों हमें स्कूल में इतनी बड़ा बिछुखा पर निकला रहा है, बाथरूम में छोटे छोटे बच्चे बेचारे देखी मरिए का। मरिए का वो देखिए फ्रेंड्स हमारे आम थोड़े बड़े हो गए पहले से। ये वाले दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देख सकते हो फ्रेंड्स ये मेरे साथ के जो बच्चे थे वो सब लोग जा रहे हैं, उनका टाइम हो गया है अपने घर। देखिए फ्रेंड्स उस साइड धुआं निकल रहा है पूरा काला काला, लग रहा है कि खेतों में या किसी चीज़ में या किसी के घर में शायद आग लग गई है। बहुत सारे डाउट है ना मंगे का ना, यंगे का ना, देखिए का ना जी। देखिए चल हेलो बोल दे तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आप लोगों को हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारी वीडियोस कैसी लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सभी लोग के साथ सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और नमस्कार।